आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंडा की, जिसे हम पर्पल एलिमेंडा भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो है गमले में भी उगाया जा सकता है, और अगर आप ज़मीन में उगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गमले में उगाने के लिए आपको जो है बड़ा साइज़ का गमला लेना पड़ेगा, कम से कम 20 इंच का, और ज़मीन में लगाने पे आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। देखिए, हमने इसको इस तरह से ज़मीन पे लगा रखा है, एक एंगल भी स्पेशल हमने इसके लिए बनवाया है ताकि ये उस पे चढ़ सके। हमने रस्सी बांधी हुई है और इसको डायरेक्ट सनलाइट पे हमने लगाया हुआ है। आप देखिए कि मैंने इसे एकदम बिल्डिंग के कॉर्नर में लगाया था, पर जब ये बड़ी हुई, इसमें फ्लावर आए और इसमें और पत्तियां बनी, तो ये देखिए ये इस तरह से साइड में निकल गई है। तो हम इसे दोबारा से वापस से रस्सी को टाइट करके बांध देंगे ताकि हम जिस डायरेक्शन में इसको भेजना चाहते हैं ये उसी डायरेक्शन में ऊपर चली जाए। तो देखिए, इस तरीके से बांध के आप इसे ऊपर भेज सकते हैं। हमने इस तरह का एंगल बनाया है, आप इसे दीवार या किसी और जगह भी आराम से चढ़ा सकते हैं। इस प्लांट को हमेशा एक फर्टाइल और फुल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसका फ्लावर जो है उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, कोई सीड नहीं होता है, पर देखने में देखिए बहुत अच्छा लगता है, हमारे हाथ के बराबर होता है एकदम। तो ये तो मैंने सुबह तोड़ा था, पर जब आप एकदम तोड़ेंगे उसे तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है। हमने इसके दो पेड़ लगा रखे हैं, देखिए हमने एक और पेड़ भी लगा रखा है। ये क्रीपर है, तो नीचे से तो ये ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ये सीधे सीधे ऊपर चढ़ती जाती है। किसी भी बिल्डिंग या टेंपल या कहीं भी आप इसको चढ़ा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। इस पे जब फूल आते हैं तो इतने ज़्यादा फूल आते हैं कि पूरा जो पेड़ है उसमें पत्तियाँ दिखती नहीं है, फूलों से वो भर जाता है। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसे आप एक बार लगा दीजिए और इसे बता दीजिए कि इसे कहाँ चढ़ना है, वहाँ चढ़ने का सहारा आप दे दीजिए, ये ऑटोमेटिक ऊपर जाती है। और हमने जब से इसको एक साल की ये अभी हमारी हुई है, और देखिए एक साल में ये इतनी बड़ी हो गई है। साल में एक बार आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ज़रूर से दें। जब भी आप इसे लगाएं तो इसे फुल सनलाइट में लगाएं, और कम से कम जब आप इसे नया लगाएं तो एक साल तक इसे फुल वाटर दें, क्योंकि इसे मॉइस्ट मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसे सन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए इसके फूल कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बाद में जब ये बड़ी होती है तो इस तरीके का ग्रीन इसमें सीड आता है, वो धीरे धीरे पक जाता है और देखिए ब्राउन कलर का हो जाता है। उस सीड के अंदर बीज निकलते हैं, आप इन बीज को भी अगर डालेंगे तो उससे भी आप प्लांट बना सकते हैं। बीज से लगाने के साथ साथ आप इसकी कटिंग भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। एक मजबूत स्टेम लेकर उसको आप 6 इंच के साइज़ में काट लीजिए और उसको आप सिर्फ पानी में छोड़ दीजिए, वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। चलिए प्लांट लवर, मिलते हैं किसी और प्लांट की जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।